हेलो फ्रेंड्स, दिव्या सैली किचन में आज हम देखेंगे गेहूं के आटे से बने चूरमा मोदक। आइए देखते हैं इसकी बढ़िया सी रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या सैली किचन में आप सभी का स्वागत है। अब हमें 500 ग्राम गेहूं का आटा लेना है, आधा किलो। अब इसमें हमें बारीक वाली सूजी लेना है, इसे हमें आटे के साथ मिला लेना है। अब इसके बाद हमें एक बड़ा चम्मच देसी घी को डाल देना है। अब आटा, सूजी और घी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमारा आटा और सूजी अच्छे से मिक्स हो गया है, इस तरह से मुट्ठी बनाकर चेक कर लेना है। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका अच्छे से डो बना लेना है। अब हमारा आटा अच्छे से घुटकर रेडी है, इसे हमें 10 मिनट के लिए ढककर ऐसे ही छोड़ देना है। अब 10 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं। अब आटे में हमारी सूजी भी अच्छे से फूल चुकी है और आटा हमारा परफेक्ट सेट हो गया है। तो एक बार हमें इसे अच्छे से मसल लेना है। अब इस आटे में से हमें एक एक लोई लेना है और हाथों की मदद से इसे हमें मुठिया शेप में इसकी बाटी बना लेना है। इस तरह से सारी बाटियां हम बना लेते हैं। हाथों से हमें इस तरह से प्रेस करते हुए अच्छे से मुठिया शेप में इसकी बाटी बना लेनी है। ये सारी बाटियां हमारी रेडी है। अब इसे घी में हमें फ्राई करना है। अब एक कढ़ाई में हमें घी को गरम कर लेना है। घी को अच्छे से गरम कर लेना है। इसके बाद हमें गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है। अब हमारी जो चूरमा की जो बाटी है, इसे हमें एक एक करते हुए घी के अंदर ऐड कर देना है और धीमी आंच पर इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है, जिससे कि ये अंदर से भी पूरी तरह से पक जाएगी। और ध्यान देना है, गैस की फ्लेम हमारी लो होनी चाहिए। हाई फ्लेम पर अगर हम इसे फ्राई करते हैं तो ये जल जाएगी और अंदर से पूरी कच्ची रहेगी। अब इसे चलाते हुए, उलट पुलट करते हुए हमें सारी ओर से अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब हमारी चूरमा मोदक बाटी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। आप देख सकते हो इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर भी आया है। तो चलिए अब इसे हमें निकाल लेना है और इसे हल्का सा हमें ठंडा कर लेना है। इसी तरह हमें सारी बाटियों को फ्राई कर लेना है। अब फ्राई हो जाने के बाद इसे मैंने ठंडा कर लिया है, आप देख सकते हो। अब इसे हमें छोटे छोटे टुकड़ों में इसे काट लेना है। मैं इसे हाथों से ही तोड़ लेती हूँ इस तरह से। इसे हमें मिक्सी में ग्राइंड करना है, इसलिए हमें छोटे छोटे टुकड़े इसके कर लेने हैं। अब हमें मिक्सी जार लेना है और ये जो टुकड़े हैं इसे हमें मिक्सी जार में ऐड कर देना है। अगर ये अच्छे से फ्राई होती है तो इसका जो मोदक है वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए इसी तरह से। अब इसमें हमें थोड़ी सी इलायची
और ये जायफल का टुकड़ा लिया था, इसके मैंने छोटे टुकड़े कर लिए हैं। इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, इसे भी इसमें डाल देना है। अब इसे मिक्सी में हमें अच्छे से बारीक पीस लेना है। अब हमारा मोदक का मिश्रण जो है वो मिक्सी में अच्छे से पीस कर रेडी है। आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छे से पीस चुका है। आप इसे छन्नी से छन कर भी ले सकते हो, जिससे इसमें जो बड़े टुकड़े निकलते हैं उसे आपको दोबारा मिक्सी में पीस लेना है। चलिए अब मिश्रण को हमें एक बाउल में निकाल लेना है। चलिए मिश्रण को हमने निकाल लिया है। अब इसमें हमें डालने वाली जो घी वाली चाशनी है गुड़ की, उसे बना लेना है, जिसके लिए हमने जिस कढ़ाई में बाटी को फ्राई किया था उसी कढ़ाई में से आधा घी मैंने निकाल लिया है और 3 बड़े चम्मच जैसा घी इसमें रखा हुआ है। अब इसी के अंदर हमें 300 ग्राम जितना गुड़ को ऐड कर देना है। आधा किलो आटे के सामने मैंने 300 ग्राम गुड़ को लिया है। और गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है। अब घी के साथ हमें गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। ये धीमी आंच पर 5 मिनट में ही गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। अब इसमें हमें ड्राई फ्रूट्स को ऐड करना है, जिसके लिए मैंने काजू बादाम के छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, इसे इसमें डाल देना है और इसमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये हमारी घी वाली गुड़ की चाशनी रेडी हो जाएगी। अब हमें गैस को बंद कर देना है। अब इस गरम गरम चाशनी को हमें जो हमारा मोदक का मिश्रण बाटी वाला जो पीस कर रेडी है उसमें हमें थोड़ा थोड़ा करते हुए डाल देना है। अब ये गरम है इसलिए हमें चम्मच से ही इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमारा मिश्रण भी अच्छे से ठंडा हो गया है। हम इसका हाथों से लड्डू बनाकर चेक करते हैं। लड्डू हमारा परफेक्ट से बन रहा है, इसका मतलब हमारा ये मोदक का जो मिश्रण है चूरमा वाला और बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। आप देख सकते हो। तो चलिए अब हमें मोदक का मोल्ड को लेना है। अब इसके बाद हमें मोदक का मोल्ड लेना है। अब मोल्ड में हमें थोड़ा थोड़ा मिश्रण को इसमें अच्छे से दबाकर इसमें भर देना है। अच्छे से प्रेस करना है इसे। अब इसे खोल देना है। अब हमारे चूरमा के मोदक बहुत ही अच्छे से बन गए हैं, आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छा मोदक का शेप भी आ चुका है और दिखने में एकदम डिलीशियस मोदक हमारे रेडी हैं। इसी तरह हम सारे मोदक को बना लेते हैं। चलिए अब इस मोदक को हमें थोड़ा सा खसखस डालकर इसे अच्छे से डेकोर कर लेते हैं, जिसे देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल डिलीशियस लगेंगे। चलिए अब सर्विंग प्लेट में इसे निकाल देते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेडी है हमारे चूरमा मोदक।